السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله ومن, ومن والاه ونبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام واستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنها فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله واستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما फ़त सलूल्लाजन्ना वतालू नबी मनन्न्नाओ कमाक रसोल्ला सल् वसम मेरे मोहतरम मजिद साम मैं आप तमाम हजरात का अपने इस दीनी तलीम के अंदर जो है इस्तबाल करता हूँ और आज रम़ानमबारक के महीना का पहला आशरा जो माह है रमज़ान के अंदर पहला आशरा जो है रहमत का है और उसका जो है दूसरा आधा शुरू हो चुका है मोहतर सामीन जिस तरीके से मैंने शुरू में अर्ज किया था कि यह महीना जो है बहुत देर से आता है देर से आने का मतलब ये है कि यह महीना इस्लामी तारीख़ के अतबार से कैलेंडर के अतबार से नवा महीना है नाइन्थ मन्थ है और बहुत जल्द हमें और आपको छोड़ कर चला जाता है बहुत जल्द हमसे रुखसत हो जाता है गुजशत कल जो है इमामब्बिया मोहम्मद रसल्ला सल्ला वसम के आदारी से मुबारक में से जिसको हज़रत सलमान फारसी रज़ील् ताल ने रिवायत किया कि आप सलील आल वम ने शाबान के आखिरी दिन के अंदर एक खुतबा दिया और उस खुतबा के अंदर आप सल्ला वसम ने रम़ान के आमद से मुतक़ उसके अज़मत और उसके बरकत से मुतर फ़रमाया था तो उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्ला वम ने ये भी फरमाया था कि जब ये महीना आ जावे तो चंद आमाल के तरफ उम्मत को मुतवज्जे किया कि इस महीना के अंदर इस बरकत वाले महीने के अंदर जो है चार आमाल कसरत के साथ करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वस्तक सरूफ़ी ही मिन अरब खिसिन क्योंकि ये महीना अल्लाह तबारफ से आम मगफिरत का है और अल्लाह तुबार की तरफ से जो है आम अता और बख्शिश का है इसी वजह से नबी जी सल्लम ने फरमाया कि मनसा रम़ान ईमान वहतिस बन वो फिर लहुमा तकदमजम भी है कि जो रमज़ानमबारक के रोज़ा रखेगा ईमान की हालत में मतलब उसकी ये है कि जिस तरीक़े से अल्लाह अल्ला तबारा ने रोज़ा रखने को कहा है और आप सल्ल वम ने रोज़ा रख कर दिखलाया है जिन चीज़ों को करने को कहा जिन चीज़ों से रमज़ान मुबारक के अंदर मना किया है अगर कोई इस तरीके से रोज़ा रखे व एहत और सवाब की उम्मीद के अंदर रोज़ा रखे, कि अल्लाह तबार का ये हुक्म है और इस पर अल्लाह तुबार ताल के ये वादे हैं इस नीयत से जो रोज़ा रखेगा तो आप अलैहि वसल्लम तो का फरमान गफिर लहु मातकद्दमजम भी अल्लाह तुबार इसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और इसी तरीके से फरमाया कि मनसामा रमदान ईमानन व एहतसाबन वो फिर मतकदमंज़म भी है कि जो मुबारक के अंदर अल्लाह तुबार ताली ने और अल्लाह तबारा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दो अमल दिया है एक अमल दिन का है जिसको रोज़ा कहा जाता है और दूसरा अमल जो है रात का है जिसको तरावी कहा जाता है तो मेरे महत्म अजीजो हम इन दोनों चीज़ों की पाबंदी करें रोज़ा जो है फ़र्ज़ है इसी वरह से आप सोसम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के एक रोज़ा बगैर शर उज़र के छोड़ दे अगर वो जिंदगी भर भी रोज़ा रखता रहे तो इस एक रोज़े के बराबर नहीं पहुँच सकता तो दिन के अमल रोज़ा है ये अल्लाह तबारा की तरफ से फ़र्ज़ करदा है और दूसरा अमल रात के तरावी है ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये एक महीना हमारे पास आता है ये एक महीना पढ़ने का है ये रमज़ान से पहले तरावी नहीं पढ़ी जाती रमज़ान ख़त्म होने के बाद कोई तरावी नहीं पड़ता है तो अर्ज़ मेरे मोहतरम मजीज़ों इसके अंदर हम सुस्ती नहीं करें बल्कि इसको गनीमत समझे अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह तुबार ताल से बात करूँ तो मैं कुर पाक को पढ़ता हूँ और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ कि नमाज की हर आयत के अंदर अल्लाह तबारा जवाब देते हैं हम नमाज़ में रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं अल्लाह उधर से जवाब देता है हमीदन अब्दी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की और रहमान रहीम पढ़ते हैं अल्लाह जवाब देता है मेरे बंदे ने मेरी जो है हमद बयान किया तो हर आयत के बदले में अल्लाह जवाब देता है तो हजूरअलाम ने फरमाया कि मन कौम रमजान ईमान वाहतिसा बन गफ़िर मतकदमज़म भी कि जो रमज़ान की रात के अंदर कयाम करेगा तरावी पढ़ेगा इस तरावी की बरकत से अल्लाह इसके पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा तो मेरे मोत मजि इन दोनों चीज़ों का हम अहतमाम करने की कोशिश करें तरावी के अंदर जो है ज़रूरी नहीं कि सारा एक ही दफ में पढ़ ले बल्कि चूंकि अभी मसाजिद वगैरह बंद हैं, हमारा अमाल उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से पिछले रमज़ान के अंदर चलता था फ़र्क सिर्फ़ ये है कि हम इफ्तारी और तरावी मस्जिद के अंदर करते थे इस रमज़ान के अंदर हम इफ्तारी और तरावी अपने घर वालों के साथ करेंगे और अल्लाह ने बहुत बेहतरीन मौका दिया है कि इसके अंदर हम रमज़ान के अंदर अपने औलाद की तरबियत कर सकें रमजान मुबारक की अहमियत बता सकें तारावी की अहमियत बता सकें और दीन के तरफ उन दीनी तरफ उनका रुझान कर सकें तो वक्त लेकर तरावी पढ़े चार रकात पढ़ने के बाद थोड़ा सा वक्फा कर ले आराम कर ले चाय वगैरह पीना है कॉफ़ी वगैरह पीना है पी ले फिर उसके थोड़ी देर बाद ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा बीस रकात एक ही साथ पढ़ना है आप वक्फे के साथ थोड़ी थोड़ी देर ठहर कर जो है पढ़ सकते हैं लेकिन तरावी से जो है इसको नागा नहीं करें हमेशा रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करें और दूसरा जो हदीस पाक के अंदर वसल्लम ने मुबारक के अमाल से मुतक़ फ़रमाया कि वस्तक सी रूफ़ी ही मीनारब खसाल कि इस रमज़ान मुबारक के अंदर चार कम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो या चार कम ज्यादा से ज़्यादा करो और पहला फरमाया कि दो अमल तो ऐसा है कि जिससे तुम अपने रब को अपने अल्लाह को राजी कर लोगे और दूसरा दो अमल ऐसा है कि उसके किए बगैर तुम्हें चाराहकार नहीं तो फरमाएफ़ लता लता तुरदो नबी हम रबुम कि वो दो अमल जिसके ज़रिए से तुम अपने रब को राज़ी कर लोगे जिससे अल्लाह राज़ी होता है और यह रमज़ान हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया है कि हम कोई अमल ऐसा कर ले जिससे हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए दुनिया के दिखलाने के लिए हम बहुत से अमल करते हैं तो अल्लाह तो को राज़ी करने के लिए रमज़ान मुबारक का महीना है तब वो कौन सा आमाल है जिससे अल्लाह तबारक ताल हमसे राज़ी होंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़शहद तो अल्लाह कि इस महीना में तुम कलमा तैयबा का ज़्यादा से ज़्यादा उर्द करो ला इला की कसरत करो कलमा शहादत की ज़्यादा से ज़्यादा उविर करो मूसा आल सलाम ने किया कि बारी ताला मुझे कोई कैसा ज़िक्र बता दीजिए दिए जिसको मैं खुद मैं करता रहूं और मैं के करीब हो जाऊं तो अल्लाह तबारा ने आर्ज़ किया कि अय मूसा कलमा ला इला ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता रहे दूसरा फरमाया इस्तफार की कसरत है गुजिश्ता कल बतलाया गया था कि इस्तफार के बारे में जो शक अहतमाम करेगा अल्लाह तुबार तौर हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देंगे हर मुसीबत से निकलने का रास्ता बना देंगे और अल्लाह तबारा इसी जगह से रोज़ी देंगे जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता तो इस्तफ़ार के मुख्तलिफ़ कलमें हैं अस्तक फिरतूबूल अस्त फिर रब्बी बिनकम बिन वतूबूल अगर कुछ नहीं आता है तो अस्त फिर अस्त फिर पढ़ते रहे तीसरा अमल जो अल्लाह के नबी ने फ़रमाया वखसलताना लागिन ला अभी कुम के दो काम ऐसे हैं जो करने के बगैर छुटकारा नहीं कि तुम्हें करना ही होगा एक तो फ़रमाया कि अल्लाह तुबारुता से जन्नत के सवाल करो फतः अलून अल्लाजन्न तोजू नबी मिनन्नार एक तो अल्लाह से जन्नत के सवाल करो कि मरने के बाद मेरे मोतमजू दो ही जगह है या तो जन्नत है या जहन्नम है तो फरमा जन्नत के सवाल करो और जहन्नम से जो है पना मांगो आखिरी हदीस अर्ज़ करता हूँ इमामबिया महमदर रसोल्लाम सल्ला वसलम का फरमान है और जन्नत में जाने का सबसे आसान रास्ता है आप अरे सलात ने हदीसी पाक के अंदर फ़रमाया कि मनकरा आयतल कुर्सी की जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयत पढ़ लें आयतल कुर्सी ले। आयत सूर् बकर चैप्टर नंबर टू की आयत नंबर टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव है आयत नंबर टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव है जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें और एक रिवायत में है अहद सूरा सूर्खलास जो चैप्टर नंबर वन हंड्रेड एंड ट है वन वन टू के अंदर है जिसको हम कुल्ला वाहद कहते हैं जो हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा ये पढ़ लेवे फरमाए फरमाएँ कि उसके और जन्नत में जाने के लिए सिर्फ मौत ही रुकावट है इसी वर्ष मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस नमाज के बाद हम आयतल कुर्सी और क़ुल्ला वद पढ़ लें अगर मलकुल मौत भी आ गया तो गले लगाने के लिए तैयार हो जाना क्योंकि वजह कायनत महमद और रसोल्ला सल्ला वसम के ज़बान से निकली हुए अल्फाज कभी गलत नहीं हो सकता और आपने कह दिया है जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ ले और आज के दौर में बहुत आसान है हर एक के जेब में मोबाइल है मोबाइल के अंदर हम स्क्रीन शॉट कर कर उसको रख ले या किसी कागज़ के अंदर लिख ले और चार या पाँच लाइन की आयत है आयतल कुर्सी उसको याद कर ले मेरे मोता मजिजुम और पढ़ लेंगे मौत आनी यकीनी है मौत से छुटकारा नहीं है तो 24 घंटे में किसी न किसी वक्त आएगा और पांच वक्त नमाज 24 घंटे में है फजर के बाद जोहर के बाद आसर के बाद मगरिब के बाद ईशा के बाद किसी वक्त भी पढ़ लेंगे हर नमाज के बाद पढ़ लेंगे तो किसी न किसी नमाज के बाद ही मौत आएगी तो एक आसान रास्ता जन्नत में जाने का है दूसरा हदीस है आप सल्ला वम ने मुस्लिम इबन हारिस तमीम रज़ील्ला के कान में चुपके से एक बात कहा इस वजह से कहा ताकि बात की अहमियत हो है ना दो आदमी कान में बात करें ना उनका दीवार के भी कान रहे हैं है ना तो हम लोग कान बिक देता फौरन कौन चीज बोले उससे तो इस वजह से कान में कहा ताकि बात की अहमियत हो और दूसरे देखने वालों को भी पता चले वो पूछेंगे कि तमी हा, तमी, मुस्लिम इबन हारिस अल्लाह के नबी ने आपसे क्या कहा तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने मुस्लिम इबन हारिस रजी अल्लाह तन से फरमाया कि अगर तुम फजर के नमाज के बाद और मगरिब के नमाज के बाद सात मरतबा ये दुआ पढ़ लो अल्ला जरनी मनान्नार के अल्लाह मुझे जहन्म की आँख से छुटकारा आता फरमा दे फरमा के अगर तुम तो फजर के नमाज के बाद पढ़ लोगे और शाम तक तुम्हें मौत आ गया तो अल्लाह तुम्हें जहन्म से हिफाजत फरमा देगा इसी तरीके से मग़ब के नमाज के बाद अल्ला जरनी मनान् नार सात मरतबा पढ़ लोगे और रात को मौत आ गया तो अल्लाह तुबार तुम्हें जहन्नम से हिफाजत फरमा देंगे तो मेरे मोत मज़ो इन दोनों चीज़ों को लाजमी पकड़ लो एक फ़जर के नमाज के बाद और मग़रब के नमाज़ के बाद अल्लाह महाजरिन मिनन्नार सात मरतबा पढ़ लो और दूसरा हर नमाज के बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद आयत कुर्सी और क़ुरु वद को लाजमी पकड़ लो फिर मलकुल मौत से कह देना मैं गले लगाने के लिए तैयार हूँ कि मेरे हबीब ने मुझे कहा है सल अल्लाह वसलम कहा जहाँ मेरा रूह निकला है दूसरा कदम जन्नत के अंदर मैं रख दूंगा अल्लाह तबारन तमाम को जो है इन बातों पर अमल करने की तोफ़ी नसीब फरमावे मोहतरमी सामीन जिस तरीके से मैंने रमज़ान के शुरू में कहा था कि रमजान का महीना कुरान का महीना है तो जिन लोगों को कुरान पढ़ना आता है वह कम अज कम एक कुरान जो है इस रमजान के अंदर ख़त्म करें जिनको पढ़ना नहीं आता मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी की चौबीस घंटों में से दो मिनट कुरान सीखने के लिए निकाले और रमजान के अंदर हमने कहा था कि अपने इस प्रोग्राम के अंदर इनशाला हर जगह रमज़ान स्पेशल होता है तो हमारे भी इस प्रोग्राम के अंदर इनशाला फिफ्टी परसेंट जो है डिस्काउंट है रमजान के अंदर हम एक मिनट निकालेंगे इनशाला अरबिक्फ़ेट सीखने के लिए तो इनशाला अगर हम अरबिक अलफबेट्स हमें और आपको आ गया तो इंशाला हमें और आपको कुरान पढ़ना आ जाएगा तो कल तक जो हुआ था तो गैन तक हुआ था आज के दर्ज के अंदर इनशाला एक मिनट के अंदर जो है हम सिर्फ तीन हर्फ पढ़ेंगे ये फा है फा कौफ, फा कौफ, फा फा फैफ इसको जरा से मोटा करना है कौफ कौफ इसको पतला करना है क्या फ़ कौफ क्या जजाकम्ल् खैर वसन रज़ा अल्लाह तबारम तमाम को जो है कुरान पढ़ने और सीखने की तोहफ़ी नसीब फरमाए इन अभी सारे मिलकर दुआ कर लेंगे फिर उसके बाद जो वक्त बचेगा उसके अंदर अफ्तारी की तैयारी और जब तक अफ्तारी के वक्त है इन शाह उस वक्त तक जो है दुआ वगैरह के अंदर और ज़िक्र के अंदर इन एहतमाम करें

उससे मुआफी मांगते हैं अल्लाह तो हमें मुआफ़ फरमा दे बेशक या अल्लाह हम खतावार है या अल्लाह हम तेरे मुजरिम हैं ए अल्लाह तो हमें मुआफ़ फरमा दे मौला जब तक जिंदगी दे ईमान पर आम सालेहा पर बाकी रहने की तोफीक नसीब फरमा या अल्लाह खात्मा बिलखैर फरमा ईमान पर मौत नसीब फरमा मौत के वक्त हरे के जबान पर कलमा मोहम्मद रसुल्ला जारी फरमा या अल्लाह बुरी मौत से बगैर तोबा के मरने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा या अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मौला तेरा फजल है तू ने एहसान किया रमजान मुबारक का महीना आता फरमाया है या अल्लाह हमारे रोजे को हमारे तारावी को कबूल फरमा जो कुछ इबादते हमने की है अल्लाह इसे कबूल फरमा कमी को तही कोआ फरमा जो अम बाकी अल्लाह उसे कदर की तोहफी नसीब फरमा या अल्लाह तेरे जितने भी वादे रोजेदार के साथ है अवतार के साथ है या अल्लाह अवतार कराने के साथ है तमाम वादे हमें नसीब फरमा या अल्लाह हमारे मुसलमानों के अंदर आपस में प्यार मोहब्बत जोड़ इतफाक पैदा फरमा या अल्ला हमारे इस मुल्क की हिफाज़त फरमा यहाँ के रहने वालों की हिफाजत फरमा या अल्ला आपस के अंदर प्यार मोहब्बत जोड़ इतफ़ाक़ पैदा फरमा नफ़रतों से बुराों से अल्लाह हिफाजत फरमा या अल्लाह हमारे दुआओं को अपने फजल करम से जनाब नबी करीम सल्ला सल्लाम के सद तो के तहफेल में कबूल फरमा जजल्ला सैदना व मौलाना मोहम्मद सल्ला कर